पुलिस ने 25-26 मार्च फिराक बिहट में हुए भीषण डकैती कांड का उद्भेदन कर लिया है। डकैती के मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हो जाने से इस कांड के उद्भेदन के साथ साथ पुलिस को 7 अन्य कांडों के उद्भेदन में भी सफलता मिली है। यह जानकारी एसपी अवकाश कुमार ने शनिवार को अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। एसपी ने बताया कि 25-26 मार्च की रात 8 अपराधियों ने एफसीआई ओपी क्षेत्र के बिहट इब्राहिमपुर टोला में मनीष सिंह के घर में घुसकर हथियार के बल पर सारे सदस्यों को कब्जे में लेकर 4,730,000 रुपए नगद, करीब 250 ग्राम सोने की ज्वेलरी, मोबाइल एवं मॉडेम आदि लूट लिया था। इस दौरान घर के सदस्यों के साथ मारपीट और फायरिंग भी किया गया था। घटना के तुरंत बाद सदर एसडीओ राजेंद्र सिन्हा के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज, टावर डंप एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर मुख्य अभियुक्त बिहट असूदी स्थान निवासी मोहम्मद अरबाज को गिरफ्तार किया गया है। अरबाज ने अपने सभी साथियों के नाम का खुलासा करते हुए कई अन्य चोरी एवं लूटकांड का उद्भेदन किया, जिसके बाद बरौनी थाना क्षेत्र के मलिपुर निवासी सुदर्शन कुमार उर्फ सन्नी कुमार, बिशनपुर चांद निवासी मोहित कुमार तथा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिला स्थित रामपुर थाना क्षेत्र के रामपुर खुर्द निवासी मोहम्मद शबीर को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही लूटे गए ज्वेलरी की खरीद करने वाले मंजेश कुमार के पिता बारो निवासी सुरेश शाह को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों के पास से विभिन्न चोरी एवं लूट की 6 बाइक, 52 ग्राम सोने का आभूषण, 908 ग्राम चांदी का आभूषण, 15,000 नगद, 4 मोबाइल, 2 मोडम, 4 देसी पिस्तौल एवं 4 गोली बरामद किया गया है। लूटे गए से सामानों की बरामदगी तथा अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। एसपी ने बताया कि इस भीषण डकैती कांड के मुख्य अभियुक्त मोहम्मद अरबाज के विरुद्ध बेगूसराय और वैशाली जिले के विभिन्न थानों में 11 मामले दर्ज है। यह गैंग विभिन्न जगह घूम घूम कर वारदात को अंजाम देता है। अरबाज ने सिंगोर में ज्वेलरी दुकान, सिमर स्टेशन के पास लूट, जकिया ओपी क्षेत्र में बाइक चोरी, महना मोड़ केस में बाइक चोरी, एफसीआई ओपी क्षेत्र में अर्जुन चौधरी के घर चोरी, गढ़हरा में बाइक चोरी तथा एनएच 28 पर बाइक लूटकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए कई खुलासा किया गया है। इस आधार पर शेष अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। बीएनपी न्यूज के लिए अवधेश कुमार की रिपोर्ट। मार्च को रात्रि में बीहट में एक इब्राहिम टोला में मनीष सिंह के घर में कड़ी डकैती हुई थी, जिसमें कुछ नगद रुपए और जेवरात अपराधी के द्वारा लूट लिया गया था। उस घटना के उद्भेदन के लिए, सामग्री की रिकवरी के लिए और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया था एसडीपीओ सदर श्री राजेंद्र सिन्हा के नेतृत्व में, जिसमें सब इंस्पेक्टर बरौनी और बरौनी अंचल के अन्य थानाध्यक्ष, साथ में टेक्निकल सेल की टीम भी इसमें लगाई गई थी। इस टीम ने टेक्निकल इंटेलिजेंस कलेक्ट करते हुए और मैनुअली कुछ इनपुट्स प्राप्त हुए, जिसके आधार पर इस कांड का उद्भेदन बहुत कम समय में कर लिया और इस घटना में शामिल कुल 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। अभी तक उनके पास से कुछ सामान भी लूटे गए, सामान बरामद हुए हैं। जो मुख्य अपराधी इसमें एक अरबाज है, पहले उसकी गिरफ्तारी हुई, जिससे पूछताछ के क्रम में उसने अपने अन्य साथियों के नाम भी बताए और इस गृह डकैती के अतिरिक्त अन्य और भी लूट और चोरी के केसेस हुए हैं, गृहभेदन के केसेस विगत कुछ दिनों में। जो 7 अन्य कांड है उसमें भी संलिप्तता स्वीकार की है अपनी, और इनके साथियों के नाम पता चलने के उपरांत उनके विरुद्ध भी छापेमारी की गई और उसमें से 3 लोगों को और अरेस्ट किया गया। जो केसेस और डिटेक्ट हुए हैं उनका एक विवरणी है, एक तो ग्रीड डकैती वाला है ही बीहट में जो हुआ था, उसके अतिरिक्त सिंगौल में जो एक ज्वेलरी शॉप में लूट की गई थी, एक चक्ती छीन के ले गया था और मोबाइल उसका, उसमें भी संलिप्तता अपने स्वीकार की इन लोगों ने। चकिया थाना में एक 24 मार्च को एफजेड मोटरसाइकिल लूटा गया था हथियार के बल पर, लूटी गई मोटरसाइकिल बरामद हो गई है। सिंगौल में जो मोटरसाइकिल यूज़ की गई थी लूट करने के लिए, वो मोटरसाइकिल रिकवर कर ली गई है। चकिया में ही एक मोटरसाइकिल चोरी का कांड प्रतिवेदित हुआ था 26 मार्च को, वो मोटरसाइकिल भी रिकवर कर लिया गया है। 31 मार्च को रिफाइनरी में एक चोरी की घटना हुई थी, उसका भी मोटरसाइकिल रिकवर कर लिया गया है। ये सारी रिकवरीज इन लोगों के बयान, स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आगे छापेमारी करके रिकवरी की गई है। इसके अलावा एफसीआई में ही 10 मार्च को गृहभेदन हुआ था अर्जुन चौधरी के घर पर रात्रि में,
जिसमें सोने चांदी के आभूषण 25,000 रुपये और मोबाइल चुराया गया था। इसमें चोरी के आभूषण कुछ बरामद हुए हैं हम लोगों को, तो टोटल 950 करीब ग्राम सोने और चांदी के अधिकृत आभूषण बरामद हुए हैं। उनकी पहचान आगे माननीय न्यायालय से अनुमति कराकर उसकी DIP कराई जाएगी। जो इस गृह डकैती के जो वादी हैं उनसे और जो गृह भेदन के जो वादी थे उनसे दोनों से पहचान कराई जाएगी। इसके अलावा गढ़हरा में एक 31 मार्च को ही चोरी किया गया था मोटरसाइकिल, वो मोटरसाइकिल रिकवर हो गई है। देगड़ा थाना में 2 अप्रैल को एक कांड दर्ज हुआ है लूट का, इसमें 30-31 तारीख को एक व्यक्ति देगड़ा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराए थे मोटरसाइकिल लूट लिए जाने की, लेकिन वो खबर देने के पश्चात तो कांड दर्ज करने के लिए सामने नहीं आ रहे थे। बहुत प्रयास किया गया तो बीच में इस केस में जब इनसे पूछताछ की गई थी तो मोटरसाइकिल रिकवर हुआ, तो पता चला कि वही मोटरसाइकिल है जो उस दिन लूट रिपोर्ट किया था उन्होंने। उस मोटरसाइकिल के बारे में डिटेल आगे पता किया गया तो ये पता चला कि रूपसपुर पटना में ये मोटरसाइकिल चोरी की मोटरसाइकिल थी जो वहाँ पे कांड दर्ज हुआ है, और इन चोरों से इन लोगों ने मोटरसाइकिल यहाँ पर लूट लिया था, जिसका पुलिस के बयान पर ही फाइनली हम लोगों ने लूट का कांड दर्ज किया, क्योंकि वादी जो इस केस के वादी थे चोरी के लूट के वो टर्न अप नहीं हो रहे थे, वो एक लूट का केस दर्ज किया गया है। तो कुल 8 केसेस का डिटेक्शन इन अपराधियों के गिरफ्तारी के पश्चात हुआ है, और इसमें रिकवरीज 6 मोटरसाइकिल हुई हैं जिसमें कुछ चोरी की हैं, कुछ लूट की हैं, और कुछ मोटरसाइकिल हैं जो अपराधियों द्वारा यूज़ किया गया घटना को करने में। 4 मोबाइल, 2 मॉडेम, सोने चांदी के आभूषण करीब 960 ग्राम, राशि 15,000 रुपये, 4 देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस रिकवर की गई। गिरफ्तार जो मोहम्मद अरबाज है इसके विरुद्ध 11 केसेस हैं अभी तक जो डिटेक्ट हुए उनको मिला के, पहले के भी कुछ केसेस इनके विरुद्ध हैं। 307 के हैं, 27 आमचक का केस है, आमचक का है वैशाली में आमचक का केस है, एक सुदर्शन कुमार उप सनी कुमार है, मोहित कुमार, मोहम्मद समीर, ये 4 लोग हैं जो अपराधी हैं सारे, और एक सुरेश शाह की भी गिरफ्तारी हुई है जो इन लोगों के सुखरोक्ति बयान के पश्चात ही पता चला कि आभूषण किसी को इन्होंने बेचने के लिए दे दिया है, तो उस घर पे छापेमारी की गई जहाँ से आभूषण बरामद हुआ है, और जो मंजेश नाम आया था व्यक्ति का उनके पिता को गिरफ्तार किया गया है, मंजेश की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इस गृह डकैती में अन्य कुछ अपराधी शेष रह गए हैं, उनका नाम पता भी हम लोगों को चल गया है, उनके विरुद्ध छापेमारी की जा रही है और उम्मीद है कि उनकी भी जल्दी गिरफ्तारी होगी, और जो शेष रकम है लूटी गई या चोरी की गई उसकी भी हम लोग बरामदगी कर सकें। ये सभी एक ही गैंग के हैं सर? ये सभी एक ही गैंग। ये अरबाज कहाँ का है सर? अरबाज हैं आपके बीहट के ही सूरी स्थान, यही गैंग का लीडर है सर? यही गैंग। कितने लोग थे सर डकैती की घटना में जो बीहट में? कुल 8 लोग, जिसमें से 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई।